नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एक गहरा नाता है। कई लोग इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल से हम रोजाना गुजरते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर क्यों लाल बत्ती पर हम रुकते हैं और हरी पर चलते हैं और पीली पर अक्सर गाड़ियां धीमी हो जाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्रैफिक सिग्नल के लिए इनका इस्तेमाल क्यों होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर हर जगह इन तीन रंगों का ही इस्तेमाल होता है, लाल, हरा, पीला। फिर चाहे वो भारत हो या फिर विदेश, हर जगह इन्हीं तीन रंगों का इस्तेमाल होता है। वैसे इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल लाल और हरा रंग हम दिन की रोशनी में भी आराम से देख सकते हैं, लेकिन आप बाकी रंगों को नहीं देख सकते या फिर उन्हें देखने में आपको परेशानी होगी। लाल रंग की वेव लेंथ बाकी रंगों से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमें दूर से भी दिख जाती है। ऐसी ही वेवलेंथ हरे रंग की भी होती है, इसलिए यही वजह है जो इन दोनों लाइटों को देखा जा सकता है। इन दोनों रंगों का इस्तेमाल पूरी दुनिया की सड़कों पर लाइट के लिए किया जाता है। इन रंगों से ही कई सारे हादसे टाले जाते हैं। भारतीय रेलवे भी इन्हीं रंगों की लाइटों का प्रयोग करता है। अगर आपने देखा होगा तो रेलगाड़ी को रोकने के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हरे रंग का मतलब है गाड़ी को आगे बढ़ाए। वैसे रंगों के इस खेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जब सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो इन रंगों को फॉलो करें ताकि हादसों से बच सके, क्योंकि ये रंगीन लाइटें हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। ये लाइटें ही नहीं बल्कि हमें सड़क पर चलते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम लापरवाही ना होकर सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और हमारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो सड़क पर आए दिन हो रहे हादसों से कई हद तक मुक्त हो जाएंगे। आप और आपका परिवार सुरक्षित व सुखी रहे, इसी मनोकामना व शुभेच्छा के साथ वीडियो का समापन करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, और पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी विज्ञान और मनोरंजन की वीडियो लाते रहे। शुभमस्तु।